दोस्तों 2021 में आई मिंदल मुरली मूवी एक देसी सुपर हीरो मूवी थी जिसको एक डिसेंट से बजट में बनाया गया था, लेकिन इसके दमदार स्टोरी, यूनिक एक्शन सीक्वेंस और बेस्ट वीएफएक्स वर्क ने हर किसी का दिल जीत लिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंदल मुरली मूवी के बिहाइंड द सीन्स, मेकिंग प्रोसेस और शूटिंग वीडियोस, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि मिंदल मुरली मूवी की शूटिंग कैसे हुई। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस के बारे में। दोस्तों इस बिहाइंड द सीन में उस सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है जब जेसन अपने जीजा को धक्का देता है, और ये वही कुआ है जिसके अंदर उसके जीजा गिर गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए कुएं को रियल में उसी शेप में काटा गया था। आपको बता दें यह घर वही है जिसमें जेसन, उसके पिता, उसकी बहन और जीजा रहते हैं, एंड वीडियो में आप आसपास की लोकेशन को भी देख सकते हो। दोस्तों इस बिहाइंड द सीन में आप मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन को शूट होते हुए देख सकते हो जब जेसन नकाब पहनकर पुलिस वालों की धुलाई करता है, और जब जेसन के जीजा को उस पर शक हो जाता है कि वही मिंदल मुरली है तो उसके जीजा उसकी फिरकी लेने लगते हैं। दरअसल ये बिहाइंड द सीन उसी टाइम का है, और जब उसके जीजा को उसके मिंदल मुरली वाले कपड़े मिल जाते हैं तो उसका जीजा एविडेंस के तौर पर उन्हें पुलिस थाने ले जा रहा होता है। इस दौरान जेसन अपने जीजा की गाड़ी को इस तरह से रोकता है और गाड़ी से अपने कपड़े लेकर भाग जाता है। आपको बता दें मूवी के सभी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को पहले से ही प्री विजुअलाइज कर लिया गया था, जिसमें मेकर्स ने पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के आर्ट स्केच तैयार कर रखे थे, जिससे कि डायरेक्शन के टाइम पर डायरेक्टर वासिन जोसेफ को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये वही बस है जिसे जेसन खाई में गिरने से बचाता है और बस में बैठे लोगों की जान बचाता है। जब बस में सिबू और जेसन के बीच फाइट होता है तो सिबू अपनी पावर से जेसन का पेस बस से बाहर निकाल देता है। दरअसल इस वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। एंड जब सिबू अपनी शक्तियों से जेसन को बस की छत पर टांग देता है, उस वाले सीन को भी एक डमी बस में ग्रीन बैकग्राउंड के पीछे ही शूट किया गया था। दोस्तों इस बिहाइंड द सीन में उस वाले सीन को शूट किया जा रहा है जिसमें मिंदल मुरली एक रस्सी की हेल्प से बस से छलांग लगाता है और एक छोटी लड़की को खाई में गिरने से बचाता है। आप वीडियो में मिंदल मुरली को अपने हाथ से बस को पीछे खींचते हुए देख सकते हो। आपको बता दें इस सीक्वेंस के दौरान जो भी शूटिंग हुआ था उसे एक छोटी खाई पर एक डमी सेट बनाकर शूट किया गया था, एंड इसका फाइनल आउटपुट आपको शॉक कर देगा। और दोस्तों ये बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब नकली मिंदल मुरली यानी सिब्बू पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है, और इस दौरान पुलिस वाले उसकी तरफ बंदूकें तान देते हैं। आपको बता दें बंदूकों की नली को CGI से क्रिएट किया गया था, जिसका फाइनल आउटपुट आप वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों आपने अभी तक रोबोट मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मूवी के रनिंग सीक्वेंस के बारे में। दोस्तों जब जेसन पुलिस थाने से सिब्बू का पीछा करता है तो इस दौरान वो बहुत ही फास्ट रनिंग करता है। थोविनो थॉमस के फास्ट रनिंग करने वाले सीक्वेंस को एक रनिंग मशीन की हेल्प से शूट करा गया था। एंड आपको बता दें सड़क पर जब वो दोनों यानी जेसन और सिब्बू अपने आसपास चलने वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ते हैं, उस वाले सीक्वेंस को बड़ी साइज वाली रनिंग मशीन की हेल्प से शूट करा गया था। लास्ट में इन सभी सीन्स को मर्ज करके एंड एडिटिंग वर्क के बाद मिंदल मुरली का जो फास्ट भागने वाला सीक्वेंस दिखाया गया था उसे रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। दोस्तों मूवी के क्लाइमैक्स में सिबू के पेस को जला हुआ दिखाया गया था। यहाँ पर आप सिबू के कैरेक्टर का मेकअप होते हुए देख सकते हो। आपको बता दें क्लाइमैक्स में सिबू और जेसन के बीच सुपर हीरो वाली फाइट होती है। ये वही क्रॉस है जिससे सिबू जेसन के सीने पर वार करता है, एंड यहाँ पर आप मिंदल मुरली का रील और रियल वीडियो एक ही फ्रेम में देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर थोविनो थॉमस उन सीन्स को शूट कर रहे हैं जिन्हें बाद में CGI और VFX से बहुत ही दमदार दिखाया गया था, यानी कि उन सीन्स को बाद में आफ्टर VFX इस तरह से दिखाया गया था।
एंड इस बिहाइंड द सीन में जेसन सिबू के सिर पर लगातार वार करता है। इन सब के अलावा आप बाकी बिहाइंड द सीन में देख सकते हो कि क्लाइमेक्स का फाइट सीन किस प्रकार से शूट किया गया था। दोस्तों इस बिहाइंड द सीन में जेसन सेंटा क्लॉज की ड्रेस में अपनी एक्स बिंसी के घर आता है, लेकिन जब वो बिंसी और उसके मंगेतर को आपस में हैप्पी देखता है तो उसे बुरा लगता है और वो बिंसी को कुछ बोलने लगता है कि इसी दौरान उस पर बिजली आ गिरती है। दरअसल उस पर बिजली गिरने वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। दोस्तों जब जेसन अपनी सुपर पावर्स को खोजने के लिए पेड़ से नीचे छलांग लगाता है तो वो नीचे गिर जाता है। आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे उस वाले सीक्वेंस को शूट किया गया था। दोस्तों ये बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब जेसन पानी के पतीले के अंदर अपना मुंह देता है। इस दौरान पानी के अंदर उसके मुंह को दिखाने के लिए इस वाले टेक्निक का यूज किया गया था। आपको बता दें मूवी में सेल्ली किशोर ने सिबू के लव इंटरेस्ट का रोल निभाया है और जब गांव वालों के कारण सेली किशोर यानी उषा जलकर मर जाती है तो सिब्बू गांव वालों से बदला लेने का ठानता है। दोस्तों इस बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हो कि कैसे जेसन अपनी पावर से बर्तनों को अपनी आंखों के सामने उड़ाता है। दरअसल इस सीक्वेंस के दौरान जो भी बर्तन दिखाए गए थे उन्हें CGI से क्रिएट किया गया था। इसके अलावा सिब्बू अपने कमरे के सामानों को इस प्रकार से अपने सामने उड़ाता है। इस दौरान एक बिल्ली भी उसके पास रहती है, वो भी उड़ने लगती है। आपको बता दें इस सीक्वेंस को भी CGI से ही क्रिएट किया गया था एंड इसका फाइनल आउटपुट आपको शॉक कर देगा। दोस्तों इस मूवी के शूटिंग टाइम पर एक बड़ा हादसा हो गया था। आपको बता दें मूवी के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए केरल के एर्नाकुलम जिले में कलाड़ी नाम के शहर के पास एक चरच जैसा टेम्परेरी सेट बनाया गया था जिसको बनाने में 50 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए थे, लेकिन उस टाइम सेट को बनाने के बाद COVID-19 के कारण इसकी शूटिंग को रोक दिया गया था, जिसके बाद 24 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मिलकर उस सेट को तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने सेट को तोड़ने वाला मुद्दा ये बताया कि वो चरच जैसा सेट एक हिंदू मंदिर के सामने था और उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। दोस्तों आपकी नज़र में क्या उनका ये फैसला सही था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको बता दें यह इंडिया की उन लो बजट की सुपर हीरो मूवीज में से एक है जिसने अपनी जबरदस्त स्टोरी, यूनिक एक्शन सीक्वेंस और बेस्ट VFX के जरिए हर तरफ वाहवाही लूटी है। आपको बता दें मिन्नल मुरली मूवी को केवल 20 करोड़ के मामूली बजट में बनाया गया था और इसको डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज किया गया था। दोस्तों मिन्नल मुरली मूवी आप में से किस किस की फेवरेट मूवी है एंड मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप में से कौन कौन मिन्नल मुरली पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइटेड है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हमारे इस चैनल पर मूवीज़ की बिहाइंड द एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।